के साथ कहां पे, तो इस क्लासरूम में हो रहा है, या मैंने इवन लिखा हुआ है या पे ईवन है, इवेंट नंबर 2 है, राइट। ये इवेंट नंबर 1 जो भी ये क्लासरूम में अभी सेशन हो रहा है, अभी जो भी पार्टिसिपेंट्स है, समझो यहां पे 5 टू 6 35 पार्टिसिपेंट्स है, राइट। सो 35 पार्टिसिपेंट्स के लिए हर एक इंडिविजुअल के लिए इसका ईक्यू जो बनेगा उसकी मेमोरी में, उसका इंटरप्रिटेशन जो बनेगा वो अलग-अलग बनेगा, 101% अलग बनेगा। जबकि इवन सेम है, मैं वही लैंग्वेज, वही वर्ड्स, वही फ्रेजेस सभी के लिए यूज कर रहा हूँ, लेकिन E2 जो है, इवेंट नंबर 2, उसके रिकॉर्डिंग जो है, वो हर एक फ्रेम की अपनी अपनी अलग अलग होगी। ऑन व्हाट बेसिस, किस बेसिस पे होगी? E2 अलग होगा, इंटेलेक्चुअल बेसिस, ओके, और क्या होगा, और कौन से फैक्टर्स होंगे? परसेप्शन होगा, बिलीफ्स, डेफिनेटली उसको वैलिडेट करेंगे, क्योंकि एवरी सेंटेंस में जो भी बोल रहा हूँ आपका अंदर का माइंड उसे इधर राइट है, रॉन्ग है, पार्शियली राइट है, पार्शियली रॉन्ग है।